नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के साइंस का असेसमेंट वर्कशीट 4। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज के असेसमेंट। और आज के असेसमेंट आपके पीछे पढ़े हुए वर्कशीट पर आधारित है, जिसमें हम लोग कुछ इस दिए गए पैसेज को पढ़कर 1 से 5 तक के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। उसके बाद कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न भी हैं, उनको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। यह पदार्थ ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं। विलयन ठोस अवस्था में भी होते हैं और इन्हें मिश्र धातु कहते हैं। किसी विलयन की घुलनशीलता तापमान की वृद्धि के साथ बढ़ती है। विलयन की संतृप्तता का स्तर विलयन का तापमान बढ़ने से बढ़ जाता है। ये दो चीज़ आप याद रखिएगा कि किसी भी विलयन की घुलनशीलता तापमान की वृद्धि के साथ बढ़ती है और विलयन की संतृप्तता का स्तर विलयन का तापमान बढ़ने से बढ़ जाती है। अब कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि निम्न में से कौन ठोस द्रव विलयन का उदाहरण नहीं है, मतलब इसमें एक ठोस होना चाहिए और एक द्रव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका उदाहरण नहीं होना चाहिए। तो पानी द्रव और नमक ठोस और द्रव का उदाहरण है। समुद्र का जल यह भी ठोस और द्रव का उदाहरण है। पानी में शहद यह द्रव और द्रव का उदाहरण है। और चीनी का घोल ठोस और द्रव का उदाहरण है। तो कह रहा है कि ठोस और द्रव का विलयन नहीं होना चाहिए, तो आंसर सी होगा इसका, पानी में शहद दोनों द्रव हैं। दूसरा है कि निम्न में से कौन ठोस ठोस विलयन का उदाहरण है, तो कॉपर, सोना, स्टील, एल्युमिनियम, इसमें स्टील ठोस और ठोस का उदाहरण है। उसके बाद प्रश्न 3 है कि दिए गए ग्राफ का विश्लेषण कर एक छात्र ने निष्कर्ष निकाला कि विलयन की घुलनशीलता विलयन के तापमान बढ़ने से बढ़ती है। ये सही है, विलयन की घुलनशीलता विलयन के तापमान के बढ़ने या घटने से प्रभावित नहीं होती है। गलत है, विलयन की संतृप्तता का स्तर विलयन का तापमान बढ़ने से बढ़ जाती है। ये भी सही है, और विलयन में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 90 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होती है। ये गलत है। तो अगर वह इस ग्राफ का आकलन करेगा तो वह पाएगा कि पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, तो बी आंसर इसका होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन कोलाइडल विलयन नहीं है। तो रक्त कोलाइडल विलयन है, दूध कोलाइडल विलयन है, जेली भी कोलाइडल विलयन है, वातयुक्त पे कोलाइडल विलयन नहीं है। उसके बाद है प्रश्न 5, निम्न में से कौन सा मिश्रण अस्थाई है। तो पानी में रेत अस्थाई नहीं है, पानी में मिट्टी अस्थाई नहीं है, पानी में दूध अस्थाई मिश्रण है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। अब है यहाँ पर कुछ सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें कि प्रश्न 2 और 3 दो अंक का है और प्रश्न 3 3 अंक का है, प्रश्न 5 भी 3 अंक का है और 6 5 अंक का है। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 2, कोलाइडल विलयन के दो अवयवों के नाम बताइए, बादल में इन दोनों अवयवों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, कोलाइडल विलयन के दो अवयव हैं, परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण प्रावस्था। बादल में जल परिक्षेपण प्रावस्था और वायु परिक्षेपण माध्यम है। उसके बाद प्रश्न 3 है कि धातुओं के कोई दो भौतिक गुणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो पहला गुण है धातु का कि धातु आघात वर्धनीय है, और दूसरा धातु विद्युत के सुचालक होती है। प्रश्न 4 है कि निम्न पदार्थों को मिश्रण और यौगिक में वर्गीकृत कीजिए, जल, स्टील, शीतल पेय, कार्बन डाइऑक्साइड, हवा तथा बेकिंग सोडा। इसका उत्तर होगा मिश्रण, देखिए मिश्रण में स्टील, हवा और शीतल पेय मिश्रण है, यौगिक में जल, कार्बन डाइऑक्साइड और बेकिंग सोडा यौगिक है। अब प्रश्न 5 है कि निम्नलिखित मिश्रण से टॉर्च का प्रकाश गुजारने पर किसमें प्रकाश का पथ प्रदर्शित होगा और क्यों। नमक का विलयन, चीनी का विलयन, दूध का और पानी का मिश्रण और शिकंजी। तो इसका उत्तर होगा कि दूध और पानी के मिश्रण से टॉर्च का प्रकाश गुजारने पर प्रकाश का पथ प्रदर्शित होगा, क्योंकि यह कोलाइडल है। उसके बाद प्रश्न 6 है कि आपको 3 बीकर ए बी सी दिए गए हैं, इनमें से एक विलयन है, बाकी 2 कोलाइडल विलयन और निलंबन है।
विस्तार से समझाइए कि टिंडल प्रभाव का प्रयोग करके आप इन तीनों को पहचानेंगे। तीनों बीकर एबीसी पर टॉर्च का प्रकाश डालेंगे, जिसमें पथ प्रदर्शित नहीं होगा वह विलयन होगा, और जिसमें पथ प्रदर्शित होगा वह कोलाइडल और निलंबन दोनों होगा। अब उनको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे, जिसमें नीचे बैठ जाएंगे वह निलंबन होगा और दूसरा कोलाइडल होगा। तो इस तरह से हम पहचान लेंगे कि कौन सा निलंबन होगा और कौन सा कोलाइडल होगा। तो बच्चों, इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।